नमस्कार, स्वागत है आपके एनबीएससी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ जाने माने वास्तु शास्त्री कुश्ती बंसल को उनके भाई हरीश के साथ 63 करोड़ की जालसाजी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट CI ने दोनों को दिल्ली के बारखंबा इलाके स्थित मॉडर्न स्कूल के पास से गिरफ्तार किया है। असम पुलिस आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर असम रवाना हो गई है। वहीं असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से संपर्क किया था। दीप बंसल के गैर जमानती वारंट है, सैनिक फॉर्म में रहते हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने खुशदीप बंसल और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। असम में चल रहे 63 करोड़ रुपए के ऑटोनोमस काउंसलिंग घोटाले में 5 आरोपी हैं। मामला साल 2022 का है। इनमें मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता का बेटा भी शामिल है। मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सर्च वारंट जारी किया था, लेकिन सबरवाल ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक कमल सबरवाल ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आधे आरोपी वास्तु शास्त्री ने दिल्ली पुलिस के सामने कहा था कि उसने किसी को कमल सबरवाल से मिलवाया था, उसने ठगी की। वहीं असम पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों ने मिलकर जालसाजी की है। डॉक्टर बंसल कई राज्य सरकार की परियोजनाओं में सलाहकार और प्रमुख व्यवसायियों और उद्योगपतियों के रणनीतिकार सलाहकार भी रहे हैं। डॉक्टर बंसल ने कहा था कि संसद भवन में जो लाइब्रेरी है उसमें वास्तु दोष है, इसीलिए सरकारें गिर जाती है। 1997 में खुशदीप बंसल ने संसद की लाइब्रेरी का वास्तु दोष दूर किया था। हाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। जुड़े रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।